अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्विज़ नंबर 2 का सॉल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टूडेज क्विज़। क्वेश्चन नंबर 1 इज इनवॉलेंट्री बॉडीली प्रेशर्स लाइक हार्ट बीट रेट आर कंट्रोल्ड थ्रू बायोफीडबैक। आंसर इज बायोफीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस भी हो सकता था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रोवाइडिंग टाइमली परफॉर्मेंस फीडबैक डिवेलपमेंट ऑफ असाइनमेंट्स एंड सपोर्ट आर ऑल पार्ट ऑफ द डैश रोल इन करियर डिवेलपमेंट। आंसर इज मैनेजर्स रोल, ये मैनेजर का रोल होता है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, द कम्युनिकेशन फ्लोइंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस इज यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू स्ट्रेस इज बर्न आउट, बर्न आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स हेल्प्स इम्प्लॉयज टू लर्न अबाउट द कंपनी एट देयर ओन पेस। आंसर इज एम्प्लॉई हैंडबुक, एम्प्लॉई हैंडबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड यूजली अडॉप्टेड फॉर इवेलुएटिंग द मैनेजरियल पोजिशंस इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका आंसर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड एम्प्लॉय बेनिफिट्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इन विच मेथड ऑफ जॉब इवेलुएशन द ग्रेड्स और क्रिएटेड आर क्रिएटेड बाय आइडेंटिफाइंग सम कॉमन डिनोमिनेटर्स फॉर ग्रुप्स ऑफ जॉब्स। आंसर इज जॉब क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट क्लासिफाइड एज a type of intrinsic benefit. Answer is food service. So we have completed an MCQs of MGT 501। बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि 4-5 सेट्स देख लिया करें, क्योंकि इससे आपके अपकमिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाती है और साथ साथ आपका करंट क्विज भी अच्छा हो जाता है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।